नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, कोरोना टेस्ट अब होगा केवल 2000 में। नेपाल भी चला चीन के नक्शे कदम, बांध मरम्मत रोक, बिहार में बाढ़ के हालात पैदा हुए। दिल्ली में केजरीवाल ने कोरोना पर दी खुशखबरी, जानेंगे विस्तार से। हरियाणा शराब घोटाले में एसआईटी ने दबोचा आबकारी इंस्पेक्टर, पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया। रोजाना बढ़ते पेट्रोल की कीमत को लेकर अंबाला में आम जन व्यापारियों ने दिखाया रोष। पंजाब में तय हो जाएगी कोरोना इलाज की फीस, पालन न करने वाले निजी अस्पताल होंगे बंद। 194 करोड़ रुपए से हिमाचल के सोलन जिले की खुलेगी किस्मत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन का एक अहम फैसला सामने आया है। प्रशासन ने चंडीगढ़ में होने वाला कोरोना वायरस का टेस्ट, जो 4500 में होता था, उसकी कीमत कम करके 2000 कर दी है। सीमा विवाद के बाद नेपाल लगातार भारत को परेशान करने वाली हरकत कर रहा है। नेपाल सरकार ने बांध मरम्मत का कार्य रोक दिया है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने इस बात की पुष्टि की है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दिल्ली को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ राहत देने वाली खबर दी है। बताया है कि घर पर इलाज करवा रहे मरीजों को सरकार ऑक्सीजन प्लस मीटर देगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अब सीरियस कोरोना मरीज काफी कम है, बिना लक्षण वाले मरीज ज्यादा, जो घर पर रहकर ही ठीक हो रहे हैं। कोरोना और बॉर्डर तनाव का जिक्र करते सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस वक्त देश चीन के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है। चाइना के खिलाफ 2 युद्ध लड़ रहा है, एक चाइना के द्वारा भेजे गए वायरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर युद्ध लड़ रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। खरकोटा शराब तस्करी के मामले में एसआईटी ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच के दौरान उसका नाम सामने आया था। उस पर भूपेंद्र के शराब के ट्रकों को निकलवाने, कार्रवाई न करने और शराब को उसके गोदाम में रखवाने का आरोप है। वह फतेहाबाद में तैनात था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। 20 महीने में उच्चतम स्तर पर पेट्रोल की कीमतें पहुंच चुकी हैं, वहीं सोमवार को भी पेट्रोल की कीमतों में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई। रोजाना बढ़ती कीमतों पर जिला अंबाला में समाज के आम जन से व्यापारियों ने बढ़ती कीमतों पर विरोध जाहिर किया है। प्राइजेस कम हो रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय तेल का जो रेट है वो कम हो रहा है, पर हिंदुस्तान में हर 2-3 दिन बाद रेट बढ़ा दिए जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ऑलरेडी कंट्री की इतनी दुर्दशा हो रही है और इतना सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में तेल। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के लिए कीमतें निर्धारित करेगी और इसका पालन न करने वाले अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे। फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम कैप्टन से सवाल के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के लिए फीस ढांचे को सोमवार तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का 4वां हिस्सा सोलन जिले के विकास कार्यों के लिए सरकार द्वारा 3 साल से संभाल कर रखा है, या फिर विकास योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पाई, किंतु अब वक्त आ गया है सोलन के हिस्से में आई हुई 194.58 राशि अब जिले के विकास में लगेगी। ये जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश शेष आदि, उसमें हमारा समूचा प्रशासन तंत्र आता है और प्रशासन तंत्र के अतिरिक्त इसे कई बार व्यक्तिगत दोष जो है वो व्यवस्था में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा आपके सामने कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।
ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।